नमस्ते, आई एम जेवियन स्वर्णिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ टॉपिक फ्रॉम प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, व्हिच इज अबाउट टेंडर। सो इन द प्रीवियस सेशंस वी वर डिस्कस अबाउट टेंडर ऑल्सो, बट what we discuss in the previous session, the tender and the tenders type and all. In this session we will discuss more about tender. मान लीजिए कि क्या होता है कि कोई एक टेंडर के लिए, बेसिकली टेंडर क्या होता है, हमने बात कर ली थी पिछले सेशंस में कि टेंडर क्या होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी वर्क होने वाला होता है, उस वर्क के हमको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंचानी है बातें कि ओपनली हमने ये बताना है, ठीक है, कि हम लोगों का ये वर्क होने वाला है, इसके लिए हमको कॉन्ट्रैक्टर की नीड है। तो हम कैसे बोलेंगे, हम एक टेंडर नोटिस जारी करते हैं। टेंडर नोटिस में क्या क्या होता है, वर्क लिखा होता है, उसकी लोकेशन, उसका मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार होता है, ठीक है। तो वो हम लोग क्या, एक नोटिस के रूप में हम पहले पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर्स में या कहीं पर भी, या अगर बेसिस ऑफ टाइप्स की भाई ओपन टेंडर है, किसी नेगोशिएटेड टेंडर है, टेंडर है या क्या, किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लो कि वो जो टेंडर है वो क्या है, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला टेंडर है, ठीक है, मतलब जो वर्क है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उस टेंडर के अकॉर्डिंग जो वर्क होने वाला है वो बहुत कम टाइम का और बहुत जल्दी खत्म होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो कि साइन करने के लिए बुलाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर को। तो ऐसा होता है कि कभी कभार कि कॉन्ट्रैक्टर प्रेफर ही नहीं करते उस काम को एक्सेप्ट करने का। तो क्या होता है, तो जो हमने टेंडर नोटिस निकला वो क्या हो गया, फ्लोटेड हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि क्लाइंट क्या करता है, फिर से पब्लिश करता है, उसमें नोटिस पब्लिश करता है कि उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन फिर से डालता है, ठीक है। उस टेंडर को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टेंडर नोटिस कहते हैं, ठीक है। इसमें जो टर्म्स और कंडीशन होती हैं वो सेम रहती हैं जो कि ऑर्डिनरी टेंडर नोटिस में होती हैं, बट ये क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टेंडर नोटिस हम लोग इसको कह देते हैं। अब क्वोटेशंस क्या होते हैं, जैसे जो भी स्मॉल जॉब है, जैसे ऊपर हमने बात करी शॉर्ट टेंडर नोटिस की, तो ऑनर या इंजीनियर क्या करता है, एक ऑफर देता है कॉन्ट्रैक्टर को कि कोई भी कोटिंग रेट्स है उस वर्क की, जो भी सप्लाई या वर्क रिक्वायर्ड है उसकी कोटिंग रेट्स है, वो क्या है, एक ऑनर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर को ऑफर करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी EMD यानी अननेस मनी डिपॉजिट की जरूरत नहीं होती है, आप बिना अननेस मनी डिपॉजिट के इस कोटेशन को फिल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क ले सकते हैं, ठीक है। अब अननेस मनी डिपॉजिट क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द टेंडर डॉक्यूमेंट टू द डिपार्टमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टर क्विटिंग अ टेंडर। This money is guarantee against the refusal of any contractor to take up the work after the acceptance of his tender. मतलब basically क्या हुआ कि जैसे कोई भी contractor ने क्या किया कि contract tender आया तो हमने उसके लिए apply करा, तो contractor को क्या है, एक EMD अपना deposit, earnest money क्या होती है, एक deposit करनी पड़ती है, ठीक है। उस money के according क्या होता है कि अगर कोई भी रिफ्यूजल होता है, गारंटी कोई कंप्लीट नहीं कर पाता कॉन्ट्रैक्टर, या कुछ भी कोई भी ऐसा केस होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर की फॉल्ट मानी जाती है, तो उस केस में क्या होता है, वो अमाउंट को हम लोग एज अ अमाउंट को हम उसकी जो भी गलती है उसको गलती के बेसिस पे हम उसको ले लेते हैं कि हाँ उस अमाउंट से उसकी भरपाई हो जाएगी। तो वो क्या है, वो पहले से ही उसने अपनी गलती के लिए दे दिया, अगर कुछ नहीं होता तो वो अमाउंट वापस रिफंड कर दिया जाता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर की गलती होती है तो फिर वो अमाउंट वापस नहीं किया जाता, ठीक है। 1-2% जो होता है, जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उस टेंडर पे, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी वर्क है, उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके ऊपर बेसिस पे क्या होता है, वो 1-2% पे ये अननेस मनी डिपॉजिट लगाया जाता है। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, मान लो कि कोई भी अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन है जो कि पे होना है, किसको पेबल है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ऑनर को, ठीक है। किस वजह से होगा वो अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, क्योंकि उसने जो काम किया उसमें क्या हो गया, डिले हो गया, यानी कंस्ट्रक्शन जो बन रहा था वो डिले हो गया, उसका टाइम डिले हो गया, तो उसकी वजह से अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर को, ऑनर को देना पड़ता है, ठीक है, कि भाई मेरी गलती थी, मेरी वजह से ये हुआ। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन होता है वो रियल डैमेज से रिलेटेड नहीं होता, वो बस ये होता है कि कोई डिले हो गया या फिर कुछ भी ऐसे कुछ ऐसा
प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से वो देगा, ठीक है। रियल डैमेजेस के लिए हम ये बात नहीं करते, लिक्विडिटी डैमेजेस की, ठीक है। और इसमें जो भी ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशंस लिखे होते हैं ये उस पे बेसिस पे भी काम नहीं करता, वो भी कॉन्ट्रैक्टर पे हम नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये तब लगता है कि जब अमाउंट जो है वो पे सॉरी जो काम है वो नहीं हुआ टाइम पे, या जो ऑनर है ठीक है उसने क्या किया टाइम पे पेमेंट नहीं दिया, या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे डिस्प्यूट जो होते हैं उसकी वजह से ये लिक्विडिटी डैमेजेस मानी जाती है, ठीक है। अनलिक्विडिटी डैमेजेस क्या होती है? इट इज अ अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेबल व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, एक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी जितने भी क्या लिखे थे ऑब्लिगेशंस लिखे थे, वो ऑब्लिगेशंस अगर हमारे क्या हो गए, कोई भी ब्रीच हो गया उनमें, कोई भी ब्रेक आ गया, तो उसकी वजह से जो अमाउंट पेबल होगा उसको हम क्या कहेंगे, अनलिक्विडिटी डैमेजेस की वजह से अमाउंट जो भी पेमेंट हुआ वो बन ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज टर्म्स। इफ यू डोंट देन प्लीज मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।